मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन्स में से एक है और 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट से ही अब तक यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पर कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है और अभी भी यहाँ 4 फेल स्टेट और 3 वॉर चल रहे हैं। बट इन सब अपराइजिंग सिविल वॉर्स बगावत विरोध में दो कंट्रीज ऐसी है जो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रही है, सऊदी अरब और ईरान। ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन है, बट आप यकीन नहीं करेंगे, इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर नहीं किया है और हमेशा से ये दोनों एक दूसरे से इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, जिनमें इराक वॉर, सीरियन सिविल वॉर, यमन सिविल वॉर में इन्हीं दोनों कंट्रियों का हाथ है और इनकी आपसी दुश्मनी ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान बना दिया है और इस कोल्ड वॉर की आग में घी डालने का काम यूएसए अच्छी तरह से निभा रहा है। 9 अगस्त 2018 एक फाइटर जेट यमन के दहान शहर के बिजी स्ट्रीट पे बम ड्रॉप करता है और इस एक्सप्लोजन में 40 स्कूल के बच्चों की मौत हो जाती है और एनएसबी यमन का कहना है कि ये प्लेन सऊदी की तरफ से यमन में एंटर हुआ था और 2015 से ही सऊदी रुक-रुककर यमन पर हमला करता आ रहा है, जिसमें काफी बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ये उस बम की फोटो है जो दहान में यूज किया गया था। इस 500 पाउंड के लेजर गाइडेड बॉम्ब में एक सीरियल नंबर 94271 यूज किया गया था और जब इस सीरियल नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला ये LMC ने बनाया है, जो कि यूएसए की बहुत बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है। वैसे सऊदी अरब जो भी हथियार यूज करता है वो मेड इन यूएसए ही होता है। वैसे यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है और सऊदी यूएसए का नंबर 1 कस्टमर है। मगर इन सब की शुरुआत 1930 में होती है, जब कैलिफोर्निया बेस्ड एक ऑयल कंपनी ये दावा करती है कि सऊदी अरब के रेगिस्तानों के नीचे बहुत ज्यादा तेल हो सकता है, मगर उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि सऊदी के रेगिस्तानों में तेल हो भी सकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो अरब के रेगिस्तानों में तेल की खोज शुरू करते हैं। उस टाइम सऊदी के बादशाह को अमेरिकन्स का अरब आना पसंद नहीं था, मगर तेल की खोज के लिए वो उन्हें इजाजत दे देते हैं। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 8 मार्च 1938 को देहरान के किनारे उन्हें काला सोना यानी तेल मिल ही जाता है और फिर देखते ही देखते बहुत से अमेरिकी अरब आना शुरू करते हैं और वो अरब में बहुत तेजी के साथ वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना शुरू करते हैं, जैसे डांस क्लब, औरतों का शॉर्ट्स लगाना और खुलेआम शराब पीकर घूमना। उनका ये बिहेव वहाँ के लोकल लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि अरब एक मुस्लिम कंट्री है और इस्लाम में ये सब जायज नहीं है, तो वहाँ के लोकल्स ने ये सब रोकने के लिए रॉयल फैमिली के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये प्रोटेस्ट सफल नहीं रहा, क्योंकि रॉयल फैमिली अमेरिकन के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उनकी मदद से बहुत से पैसे कमा रहे थे। और इसी बीच कैलिफोर्निया बेस्ड ऑयल कंपनी ने रॉयल फैमिली से ये कहा कि अगर आप हमें इजाजत दे तो हम यहाँ पर अपना आर्मी बेस बनाना चाहते हैं और फिर यूएसए की आर्मी हमारी और आपके तेल की हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी। रॉयल फैमिली ने ये कहा कि पहले ही यहाँ के लोकल्स को आपका यहाँ रहना पसंद नहीं और अब आप यहाँ पे अपना आर्मी बेस बनाना चाहते हैं, मगर ये भी हकीकत है कि इसी तेल ने हमारी और पूरे सऊदी की हालात चेंज कर दी। आप अपना आर्मी का बेस बना ले मगर अमेरिका का झंडा नहीं लगाना, क्योंकि झंडा लगते ही पूरे अरब में बगावत शुरू हो जाएगा। और इस तरह यूएसए की आर्मी पहली बार मिडिल ईस्ट में उतरी, तो आर्मी के बेस को तैयार करने के लिए उन्हें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की जरूरत थी, तो यूएसए ने एक मोहम्मद नाम के आदमी की कंपनी से काम करवाना शुरू किया। तो इस तरह मोहम्मद की कंपनी और यूएसए की कंपनी एक साथ मिलकर काम करने लगी और दोनों ने बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत से पैसे कमाने के बाद मोहम्मद ने कई शादी की और इन शादियों से मोहम्मद के 54 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक बच्चे का नाम उसामा था, जिसे आगे चल के दुनिया ने उसामा बिन लादेन के नाम से जाना। मगर मिडिल ईस्ट सारा सऊदी नहीं, इसमें कई और मुल्क शामिल है। जब 1967 में अरब कंट्रीज और इसराइल का जंग हुआ तो यूएसए ने अपने अरब साथियों का साथ ना देकर इसराइल का साथ दिया और उस टाइम अपना बेस्ट फाइटर जेट F-4 फैंटम 2 इसराइल को दिया। मगर कुछ ही दिनों में अरब कंट्रीज और इसराइल की जंग रुक गई, मगर 6 साल बाद 1973 में एक बार फिर अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में जंग शुरू होती है और इस बार भी अमेरिका इसराइल को ही सपोर्ट करता है और अरब से लड़ने के लिए बहुत से हथियार इसराइल को देता है। मगर इस बार अरब कंट्रीज को अमेरिका की ये हरकत पसंद नहीं आती और वो पूरे अमेरिका का तेल सप्लाई रोक देती है इसराइल की मदद करने पर, और ये करने की वजह से देखते ही देखते पूरे यूएसए में ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं और इस क्राइसिस की वजह से अमेरिका अपने इसराइल डील को तोड़ देता है और फिर वापस से अपने अरब रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान ईरान भी अपने तेल की वजह से काफी ताकतवर कंट्री बनती जा रही थी। ईरान अपना एक बॉर्डर सोवियत यूनियन के साथ शेयर करता था। वैसे सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच पहले ही वर्ल्ड वॉर हो चुका है और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, तो अमेरिका ने ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो सोवियत यूनियन को अंदर से ही खत्म कर सके। तो अमेरिका से फंडिंग लेने वाला ईरान के सह रजा पहलवी को अमेरिका ने ईरान का हेड बना दिया। उसने हर वो काम किया जो अमेरिका चाहता था। मगर 1971 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान ने प्रो अमेरिकन शाह ऑफ ईरान का पूरा तख्ता पलट कर रख दिया और नए लीडर आयतुल्लाह
आयतुल्ला खुमानी के मानने वाले एंटी अमेरिकन के साथ साथ एंटी सऊदी भी थे और इस बगावत की वजह से अमेरिका को ईरान छोड़ना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन इराक और सीरिया में अपना दबदबा बनाना शुरू करता है। ये देखकर यूएसए अरब को ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचना शुरू कर देता है ताकि दोबारा अगर सोवियत यूनियन से कभी लड़ाई हो तो सऊदी को बेचे हुए हथियार से अमेरिका अपनी मदद कर सके। और इन्हीं दिनों ओसामा बिन लादेन भी जवान हो चुका था। उसका ये मानना था कि मेरे घर वाले और मेरी गवर्नमेंट अमेरिका को कैसे अपना तेल दे सकते हैं, जबकि ये तेल हमारी ही जमीन से निकल रही है और हमसे ही तेल लेकर अमेरिका हमारे दुश्मन इसराइल की मदद करता है। और ओसामा बिन लादेन को ये भी डर था कि कहीं अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा न कर ले, क्योंकि वह ये भी देख रहा था कि किस तरह से सोवियत यूनियन ने इराक और सीरिया को किस तरह से सऊदी के खिलाफ भड़का दिया है। और इसी जोश को लेकर ओसामा सऊदी छोड़कर अफगानिस्तान आ जाता है और अफगानिस्तान में ओसामा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलता है क्योंकि पैसे तो बहुत ज्यादा थे उसके पास। हालांकि ये सब एक दिखावा था क्योंकि ओसामा का असली मकसद मिडिल ईस्ट में मौजूद दो सुपर पावर से लड़ना था। तो अफगानिस्तान में मौजूद रिबल फाइटर जो कि यूएसएसआर से लड़ रहे थे, तो ओसामा बिन लादेन ने उनको फाइनेंशियली हेल्प करना स्टार्ट किया और पूरे 10 साल तक ये खून खराबा चला। ओसामा बिन लादेन और सोवियत यूनियन की लड़ाई में अमेरिका को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी सोवियत यूनियन का जानी दुश्मन था। तो अमेरिका ने ओसामा को फंडिंग शुरू कर दी और 1991 में सोवियत यूनियन का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। और इस जीत की वजह से ओसामा बिन लादेन का हौसला काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो दुनिया में मौजूद एक बहुत बड़े सुपर पावर को अकेले हरा चुका होता है। तो ओसामा अपने उस ग्रुप को लेकर सऊदी अरब वापस आ जाता है और यही ग्रुप आगे चलकर अलकायदा कहलाती है। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को हराने के लिए अलकायदा की मदद की और आगे चलकर इसी अलकायदा और ओसामा ने पूरे अमेरिका के नाक में दम कर दिया। ओसामा जब सऊदी वापस आता है तो अपने रिश्तेदारों की अय्याशी देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो तेल बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो चुके थे। और ओसामा, तुम भी अपने दिमाग से एंटी अमेरिकन सोच निकाल दो। लेकिन ओसामा उन लोगों की बात नहीं मानता और लोगों को अमेरिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और इस वजह से सऊदी की सरकार ओसामा के पासपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है। और इन्हीं दिनों इराक में मौजूद सद्दाम हुसैन तेल बेचकर इतना ज्यादा पैसा कमा लेता है कि वो इराक की छोटी सी आर्मी को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी बना देता है। और इतनी बड़ी आर्मी लेकर अब सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला करना चाहता है ताकि वो कुवैत में मौजूद तेल को अपने कब्जे में ले ले। और कुवैत पे कब्जा करने के बाद वो सऊदी पर भी कब्जा करना चाहता था, मगर ओसामा बिन लादेन के दिमाग में इन सब को लेकर कुछ और ही चल रहा था। वो एक बहुत ही जबरदस्त प्रपोजल लेकर रॉयल फैमिली के पास आता है क्योंकि वो सद्दाम हुसैन को जरा सा भी पसंद नहीं करता था। उसका ये मानना था कि सद्दाम हुसैन एक सेकुलर लीडर है जो कि अपने पावर के नशे में पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा। वो ये चाहता था कि अलकायदा की आर्मी लेकर वो कुवैत में सद्दाम हुसैन से पहले पहुंचे ताकि सद्दाम हुसैन कुवैत पर कब्जा ना कर सके। मगर रॉयल फैमिली का ये मानना था कि ओसामा सद्दाम की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता है। ओसामा ये कहता है कि मैं सोवियत यूनियन को हरा चुका हूँ, तो मैं सद्दाम को क्यों नहीं हरा सकता हूँ, मगर वो ये नहीं मानते हैं। तब ओसामा अरब छोड़कर सोमालिया आ जाता है और फिर